गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर जिले में एक पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा दिया जाना है। प्रदेश के हर जनपद में आज भी कोई न कोई पारंपरिक उद्योग है, लेकिन पिछली सरकारों की उदासीनता की वजह से अब वो बंद होने के कगार पर है। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग एक पारंपरिक उद्योग है, पर अब वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि अभी तक इस उद्योग में लगे लोगों को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, पर अब प्रदेश सरकार इस योजना को लेकर काफी संजीदा है और हर जनपद में ओडीओपी योजना के प्रति लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। जनपद के पहाड़पुर, देवकली आदि क्षेत्रों में लोग जूट वाल हैंगिंग बड़ी तादाद में बनाते हैं। उनके उत्पाद को सही कीमत और बड़ा बाजार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से राइफल क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 4 महीने चलेगी और यहां पर वाल हैंगिंग बनाने वाले अपने प्रोडक्ट को लगा सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि जनपद के लोग इस प्रोडक्ट को जानें और इसका उत्पादन करने वाले लोग भी प्रोत्साहित हों। बाइट एमपी सिंह, जिलाधिकारी गाजीपुर। वसीम अकरम, उत्पादक। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओडीओपी के तहत हर जिले का एक जिला एक उत्पाद नाम से योजना चलाई जा रही है। हमारे यहाँ भी जूट वाल हैंगिंग के रूप में ओडीओपी के रूप में चिन्हित है, बट लोगों के बीच में प्रचार प्रसार न होने की वजह से या कम होने की वजह से लोग इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि लोग इसके बारे में जानें और लोग इसको अपने घरों तक ले जाएं और इसके प्रति आकर्षित हों। इसीलिए आज यहाँ राइफल क्लब सभागार में यहाँ हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी शुरू करी है। हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें और वो ओडीओपी की मात्रा को जानें। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा बन रही इसको वन प्रोडक्ट के जिस स्टॉल को उद्घाटन किया गया है और जनपद मुख्यालय पर आज की तारीख से लेकर और 21 दिसंबर 2021 तक रहेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद भी इसको विस्तारित किया जाएगा। ये जो लोग हैं, ये कहाँ के लोग हैं और किस तरह से इनको आपको उद्योग विभाग द्वारा इनको छूट मिलती है? उद्योग विभाग द्वारा इस जनपद एक उत्पाद प्रोडक्ट जूट वाल हैंगिंग से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, टूल किट, ऋण योजना, विभिन्न मेला प्रदर्शनी में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन राशि और इनके लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके माध्यम उसमें सहयोग प्रदान किया जाता है। गाजीपुर जनपद के लिए गर्व की बात है कि गाजीपुर जनपद का भी एक उत्पाद जो है ODOP में शामिल किया गया है, लेकिन क्या कारण है कि ये उत्पाद जो है बढ़ावा नहीं मिल पाता? यहाँ के उद्यमियों का ज्यादातर जो पहले निर्यात बाजार पर रहा है और वर्तमान में उद्यमी अब देशी बाजार की तरफ भी उन्मुख हो रहे हैं, और चूंकि जनपद में मुख्यालय स्तर पर इनके प्रदर्शन की और बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 4 मास के लिए भी प्रारंभिक तौर पर हम एक प्रदर्शनी और स्टॉल की व्यवस्था कराए हुए हैं और हम जनपदवासियों से अपील करते हैं कि राइफल क्लब परिसर में जो प्रदर्शनी विक्रय केंद्र बना हुआ है वहाँ पर आएँ, समय निकाल कर अपने मनपसंद कलाकृतियों को चयन करके खरीदारी का कार्य करें और अपनी स्थानीय कला है, आपके जनपद की अपनी कला है जिसका संसार में और पूरे देश में नाम है, और उसको प्रोत्साहन देने का कार्य करें। ये क्या सभी जो है हाथ से निर्मित है? हाँ, ये चूँकि करघे पर बुनाई की जाती है और बाकी इसका ज़्यादातर काम है वो हाथ से ही है, ये करघे की बुनाई वाला भी काम हाथ से ही होता है। आज तो हम लोग सर बना लेते हैं, लेकिन इसका बिक्री का साधन जो होता है वो गवर्नमेंट जो हम लोग को स्टॉल देती है फ्री में, जैसे दिल्ली हुआ, प्रगति मैदान, उसके बाद सूरज कुंड हुआ, अगर अगर सभी जगह दिल्ली में बड़ी सा जगह हर जगह मिलता है तो हम लोग बेचते हैं। उसके बाद मनाली, शिमला, मसूरी जगह हम लोगों की पार्टी भी है, हम लोग वहाँ सामान भी देते हैं सर। तो अभी तो यह 2-3 साल से जो कोरोना का मामला चल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, अभी नहीं बिक्री हो पा रही है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को सुविधा मिल रहा है सर कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये अच्छी सुविधा मिल रही है, हर जगह हम लोगों को स्टॉल मिल रहा है, हम लोग सामान बना के बेच रहे हैं। जैसे कि आज जो है आपके उद्योग विभाग के प्रयास से ये स्टॉल लगाया गया और लगातार ये स्टॉल जो है 4 महीने तक रहेगा, तो क्या अभी तक इस तरह की पहल नहीं की जा रही थी? ये अभी तक तो नहीं, इस बार पहली बार हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को मौका मिला है 4 महीने के स्टॉल लगाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना है उससे आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है? बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है सर, लेकिन कोरोना काल के दौरान थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, लेकिन आगे सरकार हम लोग प्रयास कर रही है। आपको इस उत्पाद के लिए उद्योग विभाग से ऋण और इस तरह की व्यवस्था की जाएगी? जी, इसमें 1,00,000 रुपये 25% की सब्सिडी मिलती है।